So students in today's video will be discussing about the percentage ionic character. Percentage ionic character in a covalent bond. Okay. लोग इसके लिए फॉर्मूला देते हैं कुछ क्या म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100. ये फॉर्मूला नहीं है यार, ये कॉमन सेंस है. कॉमन सेंस तब है जब आपको कॉन्सेप्ट आता हो. और अगर आप टपोरी हैं, आपको फॉर्मूला आता है बस, और आपने फॉर्मूला रटा हुआ है, अमृत की तरह घोट के पिया हुआ है, और एग्जाम जाते हो आप फॉर्मूला लेके, तो फिर आप अच्छे एग्जाम्स का प्रिपरेशन छोड़ दें तो बेहतर होगा. ठीक है, ये बोर्ड वाले बच्चे, स्कूल वाले बच्चे इसको अमृत समझ के एकदम घोट के पी लेते हैं फॉर्मूलाज और चले जाते हैं एग्जाम देने. उद्धार भी हो जाता है उनका. आ जाते हैं फिर बोलते हैं 98% आए, 96% आए. अरे भाई साइंस कहाँ पढ़ा तुमने, है ना? साइंस कहाँ पढ़ा, ऐसे पढ़ाई किया तो साइंस कहाँ पढ़ा. चलो देखो, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट. देखो ये म्यू ऑब्जर्व क्या है. म्यू ऑब्जर्व है एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया डाइपोल मोमेंट. अच्छा एक्सपेरिमेंट से क्यों कर रहे सर, हमारे पास तो फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो फॉर्मूला है Q into D सर, रटा है हमने सर, पढ़ा है, बस रटा ही है ना. देखो अब इस फॉर्मूले को क्यों नहीं यूज करके अपन नॉर्मल डाइपोल मोमेंट निकालते हैं. एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू थोड़ी अलग क्यों आती है. सपोज करो एक कोवेलेंट बॉन्ड है AB, इसमें डेल्टा माइनस आता है, इसमें डेल्टा प्लस आता है, तभी एक डाइपोल जनरेट होता है, दैट वी नो. ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप हमारी वीडियो देखिए, तब आपको कुछ समझ आने वाला है. अब समझिए बात को कि यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस दो चीजें प्रेजेंट है. तो अब चलो डी तो मैंने निकाल लिया एक्सपेरिमेंट से, मुझे पता है ए बी का बॉन्ड लेंथ कितना है. क्यू क्या करोगे, क्या निकालोगे क्यू? क्यू की मैग्नीट्यूड कितनी है? डेल्टा प्लस या फिर डेल्टा माइनस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? नहीं पता ना, कहाँ से पता होगा डेल्टा प्लस कितना अमाउंट में है, थोड़ा ना पता है. तो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला लाइक दिस. तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड अज्यूमिंग दैट कि बॉन्ड इज लाइक दिस, ए का पूरा प्लस बी पे पूरा माइनस, मतलब द बॉन्ड इज 100% आयनिक. ओ माय गॉड, सो दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फॉर्मूला. बस हो गया कि ये जो हमने कैलकुलेटेड म्यू लिखा, ये कैलकुलेटेड म्यू हमने ये अज्यूम करके हम इसको लिखते हैं कि बॉन्ड 100% आयनिक है. तो जो रियल म्यू आएगा उसका फ्रैक्शन लूंगा, तो क्लास सिक्स की कॉमन मैथमेटिकल ब्रेन लगाओ तो क्या मिलेगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ही तो मिलेगा. और जब म्यू ऑब्जर्व्ड म्यू कैलकुलेटेड के बराबर हो जाए, मतलब तुम्हारा बॉन्ड 100% आयनिक है. सिंपल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. अब आपको इसका कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप बना सकते हैं, गिवन दैट आप थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन जानते हो. अच्छा क्यू का क्या यूज करना है यहाँ पे, क्यू किस में आपने निकाला, जो आपने म्यू कैलकुलेटेड यूज करना है. तो अब ये भी बता दूं क्यू कैलकुलेटेड तो क्या है, यू म्यू क्यू इंटू क्यू इंटू डी. तो डी अपने मीटर में ले लो, और क्यू जो है वो हम म्यू कैलकुलेटेड करते समय क्या कर रहे हैं, पूरा चार्ज अज्यूम कर रहे हैं. तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, 1 माइनस चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड डी व्हाटएवर डी इज देयर. तो इन दिस वे यू कैन गेट म्यू कैलकुलेटेड, एंड म्यू ऑब्जर्व्ड विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लाइक 2 3d 4.2d लाइक दिस. अच्छा डी क्या है ये भी बता देते हैं. ये डी डेबे है, डेबे एक यूनिट है बस डायपोल मोमेंट का. इसको अपन कूलम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, 3.3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 33 के आसपास होता है कुछ. तो इस तरह से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल पे आप पता कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड पे. तो होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड यस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई एम प्लानिंग टू कम विद दीस सॉर्ट ऑफ वीडियोज डेली, सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट, proper benefit. And my approach will be a bit conceptual. I'll try to give you as much as concepts as I can. Okay, just ending it for today.